हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। रेलवे की तरफ से फिर से ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए 10th ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो रेलवे में तो किस तरह से एप्लीकेशन आपको करना होगा, एप्लीकेशन करने के लिए क्या है प्रोसेस, सब कुछ। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिएगा, उसमें आप लोगों को हर एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियल लिंक क्या में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है एंड उनमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो क्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मौका है, तो चलिए उसके बारे में बात कर ले। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और RRC की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश किया गया है, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 22nd अक्टूबर 2023, जिससे पहले आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वैकेंसीज है। यहाँ पे डिवीज़न वाइज जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। वाराणसी, इज़ाटनगर, लखनऊ एंड वाराणसी डिवीज़न के अंदर जो है इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट है। तो अभी आपको एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल बताएँगे। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो ग्रुप सी के लिए तो यहाँ ग्रुप सी टेक्नीशियन के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन और ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं मैट्रिकुलेशन और ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट ही यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को 50% मार्क्स भी होना चाहिए। और सेकेंड जो है ग्रुप डी के अंदर जो रिक्रूटमेंट किया जाए उसमें अगर आप 10th पास है तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए ग्रुप सी के लिए 18 to 30 ईयर्स एंड ग्रुप डी के लिए 18 to 33 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एज रिडक्शन मिलेगा SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक एज रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ, जिसके थ्रू आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका जो ऑफिशियल ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको करना होगा, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो इस तरह से एप्लीकेशन करना होगा। एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात किया जाए और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो आपको 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड 250 रुपीज़ फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो ग्रुप सी के लिए रिटेन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया गया है, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।